कहा जाता है सफलता तो एकदम आखिरी मंजिल होती है, लेकिन उससे पहले हमें फेलियर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, नाकामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो आप 5 या 10 बार जिंदगी में फेल हुए होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 10 मोस्ट फेमस फेलियर्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल के बारे में, जिन्होंने कभी भी फेलियर से कभी भी हार नहीं मानी और सफलता उनके कदमों में झुक गई। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश कुमार और चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन लोगों ने फेलियर्स को मात देकर सफलता हासिल की हो। बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें सबसे पहला नाम आता है थॉमस एल्वा एडिसन का, जिन्होंने 9999 बार फेल होने के बाद भी 10,000 टाइम्स में बल्ब का आविष्कार कर दिया। पूरी दुनिया कहती थी कि शीशे के अंदर बिजली को कैद नहीं किया जा सकता, पर फाइनली उन्होंने प्रैक्टिस करके बल्ब बना दिया। और जब उनसे मीडिया ने क्वेश्चन पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए तो आपको कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक बार पास तो हुआ, लेकिन मैं 999 ऐसे तरीके जानता हूं, 9999 ऐसे तरीके जानता हूं जिसपे कि बल्ब काम नहीं करता। देखिए कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। यहाँ तक कि जब वो छोटे थे तो उनके टीचर ने एक नोट उनको लिख के दिया कि तुम अपने पेरेंट्स को दे देना, तो उस नोट को जैसे उनके पेरेंट्स ने देखा उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ही मंदबुद्धि है और ये अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो सकता। और जैसे ही एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि तू बहुत ही जीनियस है और इसमें टीचर्स के पास ऐसे टीचर अवेलेबल नहीं जो कि तेरे को पढ़ा सके। और उसके बाद वो काम करता गया और उसने प्रूफ कर दिया। और बहुत टाइम के बाद जब वो उनकी माँ का देहांत हो गया, उसके बाद वो एक दिन अपनी पुरानी अलमारी में ढूंढ रहे थे तो उनको वही नोट मिला और उसके ऊपर उन्होंने जब देखा कि एक्चुअली में तो ये कुछ और लिखा हुआ था और मेरी माँ ने मेरे को कुछ और बताया और यही इस चीज का गवाह है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। अब बात करते हैं सेकंड की, जो कि सेकंड मोस्ट फेमस है, फेलियर है और उन्होंने सक्सेसफुल को हासिल कर लिया, वो है मेसी। अब मेसी तो जानते होंगे फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ा नाम। जब वो 11 इयर्स के थे तो स्कूल टीम से उन्होंने फुटबॉल की टीम से बाहर निकाल दिया गया था, ये कह के कि आपका ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है, आपकी हाइट कम है। लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं कि वो कितने बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं और उन्होंने फेलियर्स को एकदम मात दे दी और उन्होंने सफलता हासिल करी ली। अब जो थर्ड लिस्ट में आते हैं वो है मिस्टर बीन। अब मिस्टर बीन का नाम सुनते ही सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। जी हाँ, लेकिन उनका जो कैरियर की स्टार्टिंग हुई उन्हें रिजेक्शन मिले। उन्हें ये कहा जाता था कि उन्हें स्पीच डिसऑर्डर है, उन्हें बोलने की प्रॉब्लम है, तो इसके कारण उन्हें किसी भी टीवी शोज में नहीं मिलता था। लेकिन वो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी आज की डेट में हर कोई बच्चा जानता है कि मिस्टर बीन कौन है और एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा नाम मिस्टर बीन का है। अब जो नेक्स्ट लिस्ट में बात करते हैं वो करते हैं ओपरा विनफ्रे की। जब उन्होंने अपने कैरियर की स्टार्ट की तब उन्होंने टीवी में एंकरिंग शो स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें रिजेक्शन शो मिला उनके कलर के कारण। और बार बार करते करते उन्होंने इतने सारे रिजेक्शन झेले और फाइनली आज की डेट में ये मुकाम है कि वो सबसे बड़ी एंकर और सबसे बड़ी टीवी होस्ट है और मल्टी अवार्ड विनिंग उन्होंने इतनी बार काम किया है कि वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पेड टीवी होस्ट भी है। ये होता है फेलियर्स को पीछे छोड़ करके हमेशा सक्सेस पे पहुंच। लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम निकल के आता है वो आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें सबसे ज्यादा दिमाग यूज करने के बारे में जाना जाता है। हर कोई बच्चा जानता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतनी सारी थ्योरीज निकाल दी है। ये हुआ सिर्फ और सिर्फ बार बार फेलियर मिलने के बाद भी उन्होंने सफलता हासिल की, इतनी सारी थ्योरीज निकाली। और एक बहुत बड़े फिजिस्ट है और वो नोबेल प्राइज विनर भी है और हर कोई जानता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब जो नेक्स्ट की बात करते हैं वो है जैकमा। अब जैकमा सबसे बड़े फेलियर के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने जब एंटरप्रेन्योर या बिजनेस किया फिर कितने सारे लाइन्स में ट्राई किया, यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस में ट्राई किया पर वो रिजेक्टेड रहे। यहाँ तक कि वो केएफसी में भी अप्लाई किया उन्होंने वेटर के लिए, पर 25 लोग उसमें अपियर हुए, 24 लोगों का सिलेक्शन हो गया पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि उन्होंने कितने सारे जॉब्स में ट्राई किया, नहीं मिली। और फाइनली उन्होंने स्टार्ट की अलीबाबा की, जो कि आज का सबसे बड़ा बिलियंस का टर्नओवर है, सबसे सक्सेसफुल कंपनी है ई कॉमर्स की और इसी नाम से अलीबाबा को लोग जानते हैं। और उसके बाद जैकमा ने वो कर दिखाया जो कि सबसे बड़ा लोगों के लिए फेलियर था और उन्होंने वो सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया। जो नेक्स्ट नाम निकल के सामने आता है वो आता है स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने कितने सारे, आप जानते हैं कि वो एप्पल के फाउंडर हैं और उसके पहले उन्हें अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी स्टार्ट की, वो फेलियर रही और इतने फेल होने के बाद भी आज एप्पल का नाम हर एक कोई जानता है, हर एक कोई फोन का बादशाह और सबसे महंगे फोन
उन्हीं के हैं। तो इस तरीके से इतने सारे फेलियर झेलने के बाद भी फाइनली उन्होंने वो घर दिखाया जो कि लोगों के लिए इम्पॉसिबल था और वो उस मुकाम पे पहुंच गए। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम निकल के आता है वो आता है केएफसी। केएफसी तो आप सभी जानते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे बेस्ट वही जगह है और खाने के लिए तो क्या बताएं। तो जो कैनल सैंड्रियास हैं जिन्होंने केएफसी की स्टार्टिंग की वो उन्होंने 65 इयर्स की एज में एक रेसिपी तैयार की। सोचिए पूरी जिंदगी लग गई फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद उन्होंने एक रेसिपी तैयार की और उस रेसिपी को लेकर वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में गए कि ये रेसिपी को आप बेचिए। उसके बाद हर किसी ने रिजेक्ट किया और फाइनली उन्होंने अपनी खुद की कंपनी डाली जो कि केएफसी थी और आज के डेट में आप जानते हैं कि वो कितनी सक्सेसफुली रन कर रही है। पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में मोर देन 15,000 ब्रांचेस हैं, बिलियंस का टर्नओवर है और आज के डेट में कितनी सक्सेसफुली रन कर रही है। और एक रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो जो कैनल सैंड्रियास है वो कितनी दफा फेल हुए, 1000 टाइम्स वो फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सभी के सभी फेलियर्स को मात देते हैं। अब जो इस लिस्ट में जो नेक्स्ट नाम निकल के सामने आता है वो आता है अब्राहम लिंकन का। जी हाँ, अब्राहम लिंकन इतनी बार उन्होंने 8 बार इलेक्शंस लड़े लेकिन फिर भी वो मात खा गए, वो जीत नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने बिजनेस आइडियाज थे उनके पास, उनकी स्टार्टिंग की, 2 बार वो फेल हुए और एट द लास्ट करके उन्होंने वो घर दिखाया जो कि इम्पॉसिबल था, वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए। जी हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए इतनी सारी हार झेलने के बाद भी। और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि फेलियर से ऊपर ही सक्सेस मिलती है और फेलियर की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है सक्सेस पाने के लिए। और एट द लास्ट बात करते हैं माइकल जॉर्डन की। माइकल जॉर्डन जो कि बास्केटबॉल में सबसे बड़ा नाम है, बास्केटबॉल के वर्ल्ड एकदम फेमस प्लेयर्स हैं। उनके लिए उनका जो बचपन है वो इतना आसान नहीं गुजरा, बार बार मेहनत और बार बार कोशिशों के बाद भी उन्होंने अपने स्कूल में जब सिलेक्शन हुआ तो उन्हें वो निकाल दिया गया टीम से और बाद में मेहनत करते करते आज के में उन्होंने वो प्रूव कर दिया जो कि इम्पॉसिबल था और वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में से माइकल जॉर्डन का नाम सामने आता है। So, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फेमस फेलियर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ में आ गया कि फेलियर की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है सक्सेस के लिए, इसलिए फेलियर से कभी भी घबराना नहीं है। जितने भी ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं इन्होंने फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा है, अपॉर्चुनिटी में फिर घुसे, फिर एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। इसलिए फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखें, उन्हें कभी भी डीमोटिवेट ना हो और हमेशा आगे बढ़ते रहें। So, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता हूं आपके लिए एवरी वीक। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग अविस्पार्क्स।